आजमगढ़ पुलिस की अलग अलग कार्यवाही में 25,000 के दो इनामिया बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ की महाराजगंज और फूलपुर थाने की पुलिस ने एसओजी के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 25,000 के इनामी गैंगस्टर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मंगलवार को दिन में पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि महाराजगंज थाने के ब्रजमनी खुर्द पुलिया से पुलिस ने वर्ष 2023 से 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त आकाश यादव उर्फ गुलशन यादव निवासी मनोगा का पुरा थाना महाराजगंज को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के ऊपर वर्ष 2018 से 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वांछित होने के चलते इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, तभी से ये फरार चल रहा था। वहीं एक अन्य कार्यवाही में जीएनपुर थाने में गैंगस्टर के अभियुक्त 25,000 के इनामी अच्छे लाल यादव को फूलपुर थाने की पुलिस ने एसओजी टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे वांछित एवं सक्रिय अपराधियों के अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 29/30 की रात्रि में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट जैसे पुराने कई दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा वो 25,000 रुपये के इनाम भी उनके ऊपर घोषित थे, जिनमें से एक अपराधी है गुलशन उर्फ आकाश यादव, जिसको थाना महाराजगंज की पुलिस द्वारा एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अक्षय लाल यादव, जो थाना जीएनपुर पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, उसकी थाना फूलपुर एवं एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। दोनों से अवैध तमंचा और एवं असला बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ये कैसे काम करते थे? ये हिडन तरीके से छिपे हुए थे कहीं पर? ये कई बार इनके घरों पर और जो भी संभावित स्थल थे उन पर दबिश दी गई थी, पर ये बरामद नहीं हो रहे थे, जिसके क्रम में इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। कल एसओजी टीम और थाना की टीम पुलिस टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।